देखो भाई, आप लोग जो ये रिजल्ट देख रहे हो ना, ये 40 दिन का रिजल्ट है। बहुत से लोग बिगनर हैं जो कि सोच रहे होंगे इस बंदे को तो यार 40 दिन के हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। हाँ दोस्त, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बट एक प्रॉब्लम आ चुका है। देखो दोस्त, मैं तुम्हें बता दूँ, आप लोगों में से बहुत से लोग मिनोक्सिडिल यूज़ करते होंगे बियर्ड ग्रो करने के लिए। तो देखो यार, आप लोगों को थोड़ा डार्कनेस देखने को मिल सकती है, बट ये सबके साथ नहीं होता है, किसी किसी के साथ होता है, बट धीरे धीरे सही हो जाते हैं। और इनका प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ये रहा प्रॉब्लम। आप लोगों को लग रहा होगा ये पहले का रिजल्ट है। नहीं दोस्त, ये पहले का रिजल्ट नहीं है। इन्होंने अपने बियर्ड को ट्रिम किया है और इनके बियर्ड जो है कि थोड़े लेट से हो सके तो ग्रो हो जाए। ठीक है, आपको ये दिक्कतें हो सकती है, लेकिन दोस्त मैं आपको बताऊंगा, आपको यार देखो बिल्कुल क्लीन सेव नहीं करना। मेरे को ये भी नहीं पता ये बंदा ट्रिम किया है या क्लीन सेव किया है। जब तुम अपने पतले पतले बालों को ना क्लीन सेव कर देते हो तो दोस्त जो मिनोक्सिडिल के बियर्ड होते हैं ना, थोड़ा लेट से ग्रो होते हैं। चाहे तुम ट्रिम करो तो भी लेट से आते हैं, जैसे कि 10-15 दिन के बाद ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, किसी किसी के बियर्ड नेचुरल तरीके से ही ग्रो होते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे मिनोक्सिडिल के बियर्ड हैं, तुमने अपने बियर्ड को सेव करा दिया, क्लीन सेव करा दिया, तो दोस्त तुम्हारे बियर्ड उस कंडीशन में आ जाते हैं। किसी किसी को थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर देखो दोस्त, तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी क्लीन सेव करा लियो या ट्रिम करा लियो, वैसे तो भाई तुम क्लीन सेव मत कराना, ठीक है। क्लीन सेव कराने से पहले भाई 10 बार सोचना, फिर क्लीन सेव कराना। वैसे देखो दोस्त, दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है, बियर्ड आना ही आना है, किसी भी हाल में आना ही है। तो भाई यहाँ पर देख लो, थोड़ा ड्राइनेस वगैरह देखने को मिलेंगे ना, तो दोस्त इन्हें इग्नोर करना, भूल जाना, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। एक तरफ से देखा जाए ना, जिनको ड्राइनेस नहीं होता ना, वो लोग भी पछताते हैं, मतलब भाई उनको भी दिक्कतें होती है, बोलते हैं, सोचते हैं, अब यार भाई मेरे को ड्राइनेस नहीं हो रहा, क्या ये मिनोक्सिडिल सही है या फेक है। तो दोस्त सबको ड्राइनेस नहीं होते हैं, किसी किसी को होते हैं। 100% में यार 85% ड्राइनेस होते हैं, मान के चलो, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं ये दिखाऊँ ना रिजल्ट, ये दूसरे बंदे का रिजल्ट है, ये लगभग 1 महीना 15 दिन का रिजल्ट है। और हाँ, इस बंदे का मैं चैट वगैरह अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर देख लो दोस्त, ये 1 महीना 15 दिन का ये रिजल्ट नहीं, अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। यहाँ पर मिनोक्सिडिल जो है कि बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और हाँ देखो, ये बंदा जो ना मिनोक्सिडिल बिल्कुल सेप में यूज कर रहा है, जहाँ जहाँ पर इन्हें बियर्ड चाहिए वहाँ पर ये यूज किए हैं, अनवांटेड जगह पर बिल्कुल नहीं गया है मिनोक्सिडिल। तो आप लोग इस चीज़ से जरूर बचना। चलिए थोड़ा मैं नेक्स्ट इमेज दिखाता हूँ, ये पहले वाला का मैं दिखाया हूँ। अगर यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर देख लो भाई, मतलब भाई चारों साइड में इनके फॉलिकल्स धीरे धीरे मोटे भी हो रहे हैं, ठीक है। जो बंदा ट्रिम कराया ना, उसका रिजल्ट नहीं है, इसका रिजल्ट है। एक मिनट, हाँ इनका रिजल्ट है, यहाँ पर देख लो। नहीं तो आप लोग सोचोगे भाई, कन्फ्यूज बहुत से लोग हो जाएंगे ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ। जो 1 महीना 15 दिन का ये रिजल्ट है ना दोस्त, ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ इस साइड में, डेंसिटी की भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीना 15 दिन के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कुछ कुछ बियर्ड तो भाई इतने छोटे हैं, मतलब भाई अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल कील की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो बियर्ड ठीक ठाक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो भाई यहाँ पर इन्होंने अपने बियर्ड को थोड़ा सेट वगैरह करा लिए हैं, तो अच्छा लग रहा है। चलिए थोड़ा चैट वगैरह दिखाते हैं और क्या क्या दिक्कतें हुई है मैं आपको बताता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो यार लाइक करना, चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मैं व्हाट्सअप ओपन कर लिया हूँ, थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पर देख लो, ये बंदा खुद मेंशन किया है 40 दिन यूज करने के बाद का ये रिजल्ट है। थोड़ा मैं जूम करता हूँ और मैं आपको थोड़ा टेक्स्ट दिखाता हूँ, इन्होंने क्या लिखा है। 40 दिन यूज करने के बाद ऐसा रिजल्ट था, मतलब जब इन्होंने ट्रिम किया था बियर्ड को ना, यहाँ पर रहा ये ट्रिम वाला रिजल्ट है। मतलब भाई देखो, थोड़ा तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है, एक बार ट्रिम करने के बाद ऐसा है। तो दोस्त देखो, बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होता है ट्रिम, कुछ कुछ लोग अनजान होते हैं जो कि यार मतलब किसी के कहने पे क्लीन सेव करा लेते हैं। तो दोस्त क्लीन सेव से बचो, ठीक। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना, वेट करना है, अपनी जर्नी कंटिन्यू रखना है, तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना है। चलिए थोड़ा नीचे दिखाते हैं, यहाँ पर दिखिएगा दोस्त, नीचे तो कुछ है नहीं, प्रोडक्ट वगैरह इन्होंने नहीं भेजा है, तो भाई इन्होंने मार्स का ही प्रोडक्ट यूज़ किया है। और जो दूसरा बंदा था ना, मतलब दोनों लोग मार्स का ही प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। चलिए इसी में एक बंदे का और रिजल्ट शामिल कर लेते हैं, जो कि यार उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो दोस्त थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। दोस्तों ये तीसरे बंदे का रिजल्ट है, जो कि यार इनका लगभग 40 दिन हो चुका है, ठीक है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट इमेज दिखाता हूँ। और हाँ, इस वाले रिजल्ट से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई इस साइड में देख लो, कोई शिकायत नहीं है, 40 दिन के हिसाब से भाई बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और यार देखो, मिनोक्सिडिल वगैरह आप लोग ना बहुत ज़्यादा यूज करते हो, तो भाई ज़्यादा यूज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, अब इस साइड में देख लो, ये जो नेक वाली बियर्ड है ना, यहाँ पर हो सकता है भाई थोड़े टाइम लगे, बट जो चीन पर बियर्ड है ये टर्मिनल बियर्ड है, ये नेचुरल बियर्ड है। और हाँ, इस बंदे का एज लगभग 20+ ही है। चलिए अब यहाँ पर देख लो दोस्त, इस साइड में देख लो भाई, मतलब पूरा चिपचिपा दिख रहा है और यार पीला पीला भी दिख रहा है। तो यार देखो, कोई भी बोलता है ना, अबरार भाई मेरे मिनोक्सिडिल जो है ना बिल्कुल पानी की तरह है। अब यहाँ पर देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा पानी की तरह है, पीला है, इसके बारे में लास्ट में बात करते हैं। अब इस साइड में देख लो दोस्त, देखो यार डेंसिटी की कोई कमी नहीं है, बियर्ड ज़्यादा लॉन्ग हो चुके हैं। और हाँ, 40 दिन के हिसाब से बियर्ड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हो सके तो भाई तुम बायोटिन भी यूज करना, ताकि तुम्हारे बियर्ड में थोड़ा डेंस आए, ठीक है, थोड़ा थिकनेस बढ़े बियर्ड की। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी पहले का भी रिजल्ट दिखाऊंगा। यहाँ पर देख लो भाई, बहुत ज़्यादा ये बंदा मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा है। ये रहा मार्स का मिनोक्सिडिल और डर्मा रोलर, बायोटिन तो नहीं दिखा मेरे को। यहाँ पर देखो, ये रहा मिनोक्सिडिल। देखो दोस्त, आप लोग ओल्ड न्यू रटते रहते हो दोस्त, तुम ओल्ड मंगाओ या नया मंगाओ, तुम्हें यही मिलेगा, ठीक है। और दोनों का एक ही काम है, कोई शिकायत नहीं देखने को मिलेगी।
लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब ये देखो दोस्त, सामने का रिजल्ट है, मैं बोला हूँ ना चिन और मुस्टैच वाले बहुत से मतलब भाई उनको दिक्कत है, ठीक है, ज़्यादातर 20+ वालों को दिक्कत है बियर्ड की, और जिनकी एज कम होती है ना उनको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक 16 से लेकर 20 तक, जो 16 से लेकर 20 के बीच में ना उनके बियर्ड बहुत जल्द आ जाते हैं। अब यहाँ पर देख लो दोस्त, ये सब पहले के रिजल्ट है, थोड़ा मैं इनका चैट वगैरह दिखा देता हूँ ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए ये रहा इस बंदे की पूरी जन्म कुंडली, अगर मैं चैट दिखाऊं तो भाई यहाँ पर देख लेना, ये सब रिजल्ट तो मैं आपको दिखा दिया, प्रोडक्ट भी दिखा दिया। अगर मैं ऊपर जाऊं तो बी यूज 45 डे, तो भाई ये 45 दिन का रिजल्ट है, मैं ये मंगाया था क्या चीज़ है, मिनोक्सिडिल। अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर देखना, ये सब पहले की रिजल्ट है। चलिए अब यहाँ पर देख लो, वी टेक द मिनोक्सिडिल 5% बिफोर यूज़ ऑफ मिनोक्सिडिल माई पिक इज, तो भाई देख लो यहाँ पर ये सब पहले की रिजल्ट है, जो कि यार 20+ एज हो चुकी थी और इस भाई को बियर्ड की बहुत मतलब यार ज़रूरत थी, ठीक है यार। देखो बियर्ड आने के बाद ना हमारा लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। बहुत से लोग यार देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप होता है ना, तो भाई ब्रेकअप के बाद वो बंदा मतलब यार जिद ठान लेता है, मैं अपनी बियर्ड ग्रो करके रहूँगा, अपनी गर्लफ्रेंड को जो ना उसकी औकात दिखा के रहूँगा। तो भाई ऐसा होता है, ठीक है, जिसके साथ ऐसा हुआ है ना दोस्त, आप लोग कमेंट करना, इसके ऊपर मैं बिल्कुल मोटिवेशनल वाला वीडियो बनाऊँगा ताकि झक मार के तुम्हारे ही पास आए तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ओके तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।